कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो सके। आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए भिंड प्रशासन द्वारा मौलवियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई है। जिले के प्रत्येक थाने में ये बैठक की गई है। नया गांव थाना प्रभारी हरजिंदर चौहान ने बताया कि घर पर रहकर नमाज अदा करें, 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा ना करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर इस दौरान कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नयागांव क्षेत्र में 2 जगह मस्जिद है, ईश्वरी रामपुरा में एक मस्जिद है, एक नयागांव में मस्जिद है। दोनों ही जगह शासन द्वारा जो आदेश जारी किए हैं उनके नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। दोनों ही मस्जिदों के मौलानाओं को अवगत करा दिया गया है कि नमाज केवल 5 लोग अदा करेंगे और जो भी मुस्लिम भाई हैं वो सभी लोग अपने घर पर रहकर त्यौहार मनाएंगे। इस संबंध में नए गांव मौलाना से अपील की गई कि वो वर्चुअल अपील कर दें मोबाइल के जरिए, जो उन्होंने हमारा स्वीकार किया अनुरोध। उन्होंने वर्चुअल वीडियो के माध्यम से एक अपील तैयार करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमान भाई अपने घर पर रहकर ईद का त्यौहार मनाएं, कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाएं। नए गांव